हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुछ नया सीखें। आज हम बनाएंगे खमन ढोकला, जो गुजरात की बहुत फेमस डिश है। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। आइए बनाते हैं खमन ढोकला। खमन ढोकला बनाने के लिए हमने 250 ग्राम बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून चीनी ली है, 4 टेबल स्पून नींबू का रस है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है। पहले हमने गैस पर पानी गर्म करने रख दिया है। अब हम अपना बैटर तैयार करेंगे। इसमें हम एक प्लेट रख देंगे, आप कोई भी स्टैंड भी रख सकते हैं। खमन ढोकला बनाने के लिए हम एक बैटर तैयार करेंगे। इसमें हम बेसन डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसे हम मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, जिससे हमारा ढोकला अच्छा बने। हमारा बैटर ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। हमारा बैटर तैयार हो गया है। ढोकला बनाने वाले बर्तन में हम तेल लगा लेंगे। तो हम तेल लगा लेंगे। अब हम अपने बैटर में इनो डाल देंगे। अब हम इसे और अब हम इसमें इसको डाल देंगे। अब हम अपने बैटर को इसमें रख देंगे। हमारा पानी गर्म हो गया है। अब इसे हम इस तरह रख देंगे और 15 मिनट तक इसे पकने छोड़ देंगे। आंच को हमें मीडियम कर लेना है और 15 मिनट तक इसे पकने छोड़ देना है। हमारे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम देखेंगे हमारा ढोकला तैयार है। देखिए दोस्तों, हम इसमें चाकू डालकर देखते हैं, इसमें बिल्कुल भी छपकर नहीं आ रहा है। अब हमारा ढोकला तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे और ठंडे होने रख देंगे। हमारा ढोकला ठंडा हो गया है और इसने किनारी छोड़ दी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना स्पंजी है। अब हम छौंका तैयार करेंगे इसका। इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह हम इसे कट कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह हम इसे छौंका लगाने के लिए हमने 2 हरी मिर्च ली है, 5-6 कड़ी पत्ते लिए हैं, 1 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है, 2 टेबल स्पून
चीनी ली है, 1/2 टेबल स्पून राई ली है और 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। अब हम छौंका लगाएंगे। अब हम ढोकले के लिए तड़का तैयार करेंगे। हमने गैस पर पैन रख दिया है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम राई डालेंगे। राई वाइट तड़क गई है, अब इसमें हम कड़ी पत्ते डालेंगे। कड़ी पत्ते के बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। अब हम थोड़ी देर इसे चलाएंगे जब तक हमारी चीनी गल ना जाए। हमारी चीनी गल गई है, अब इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। हमारा तड़का तैयार हो गया है, अब हम इसको ढोकले में डाल देंगे। हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है, यह बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।